एपिसोड 1.3 का सॉल्यूशन देने वाला हूं, और अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है मैंने सारी वीडियोस का, कृपया वहां से बेसिक देख लें, और बेसिक देखने के बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझेगा, 100% श्योर है कि आपको समझेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज अ सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, इतने सेट, चार सेट दिए एंड उसके बाद आपको इतने सारे ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है सबसेट के लिए और बोला है विच आर द विच स्टेटमेंट आर द ट्रू और फॉल्स, मतलब कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है हमें ये बताने हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी जो है वो बी का सबसेट है, मतलब कि सी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। चलो देखते हैं सी में क्या है, सी में जो है बी एंड डी है, और बी में देखो बी में जो है बी में बी ही नहीं दिख रहा, कैपिटल बी वाले सेट में बी नहीं दिख रहा, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो हो गई ये तो हो गई फॉल्स, ये तो फॉल्स हो गई। आगे क्या बोल रहा है, बी इज अ सबसेट, सॉरी सेकंड करते हैं यहाँ पे, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ए इज अ सबसेट ऑफ, मतलब ए के सारे एलिमेंट डी में होने चाहिए, ए में तो इतने सारे हैं और डी में से दो है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी क्या होगा आपके, ये भी होंगे फॉल्स। ओके अब यहाँ पे क्या बोल रहे, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी में क्या है ए ई, ए ई बी में है क्या, देखो बी में ई है बट ए नहीं है, ए नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगी आपके फॉल्स। ओके अब देखो क्या बोल रहे, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब डी के सारे एलिमेंट ए में है, तो डी में ए ई है, ए ई, और यहाँ पे भी ए और ई है, यानी कि ये सही है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो है ये ट्रू है। ओके अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो बी में है सी डी ई एफ, तो यहाँ पे सी है डी है ई है बट ए वाले में एफ नहीं है, एफ मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। एंड अब लास्ट में ये देखो क्या है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी क्या है बी एंड डी, मतलब सी जो है वो सबसेट है ए का, मतलब ए के अंदर सी के सारे एलिमेंट हैं, तो ए के अंदर बी एंड डी है, यानी कि ये क्या है, ये जो है ये ट्रू है। इस तरीके से ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, चलो देखते हैं। बोलता है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। मतलब क्या बोला कि 1 से लेके 20 तक के जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो आपके सामने मैंने लिख दिया है, वो यूनिवर्सल सेट लेना है और फिर एक्स जो कंडीशन में दिया और वाई जो कंडीशन में दिया, इन्हें वेन डायग्राम की मदद से दिखानी है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तो फिर चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हमें देखो, हमने वेन डायग्राम में, अभी मैं चाहूं तो ये जो है सब ऐसे लिख दूं पर रॉन्ग हो जाएगा, हमें पहले एक्स और वाई देखना है। तो वाई, एक्स और वाई पहले निकालते हैं, तो वो एक्स और वाई क्या होगा, जरा देखो एक्स जो है वो क्या है, लिस्टिंग मेथड करते हैं, ये है x such that x belongs to natural number, x जो है natural number, मतलब इन्हीं में से कोई नंबर है, and x जो है वो 7 से बड़ा है and 15 से छोटा है। अब 7 से बड़ा मतलब यहां, और 15 से छोटा मतलब यहां, ये सारे नंबर x में आएंगे, तो उसे हम यहां पे लिख देते हैं, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, लो भाई हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब इसमें ट्विस्ट क्या कर दिया, दूसरे वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट ऐसा कर दिया कि भाई वाई सच दैट, वाई इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई भी यही नेचुरल नंबर है, लेकिन वाई जो है वो प्राइम है। अब प्राइम क्या होता है भाई, अब आपको सबसे पहले प्राइम पता होना चाहिए, वाई जो है प्राइम होना चाहिए। अब प्राइम क्या, प्राइम ऐसे नंबर होते हैं ना जो खुद से सिर्फ कटते हैं और किसी टेबल से कटते नहीं है, तो प्राइम कौन कौन से, एक तो 2 हो गया प्राइम, एक तो यहां पे देखो 2 हो गया प्राइम, हो गया 2, 3 हो गया प्राइम, 4 जो है ना वो 2 के टेबल से जाता है, 5 जो है वो खुद के टेबल से जाता है, 2 3 के टेबल से नहीं जाता, 6 जाता है 3 के टेबल से 2 से, तो 7 हो गया, 9 हो गया, तो ये सबको हम लिखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल से जाता है, ठीक है, तो यहां पे हो गया 11 हो जाएगा, और 11 के बाद में जो है 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, और उसके बाद में ये इनफ, बस इस तरीके से।
से, यहाँ पे देखो हो जाएगा 11 जो खुद के टेबल से जाता है, 13 और जो है आपका 17 और जो है आपका 19। बाकी सबकी अगर बात करें, अगर मैं किसी को भी ले लूं, अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे 16 को ले लेता हूँ, 16 को, तो 16 को अगर ले लूंगा तो 16 तो 2 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला गया, 4 से भी चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो प्राइम नंबर होता है ना, ये सारे नंबर ये जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, इनको किसी और नंबर से आप डिवाइड नहीं दे सकते, ये खुद से कटने वाले हैं और किसी से नहीं। तो ये हो गए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें हमने क्या देखा कि x और y में दोनों में देखो यहां पे 11 है, इसमें भी 11 है, हाँ इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, यानी दोनों में है। अब अगर हम उसमें x बना दें और y दोनों बना दें अलग अलग, तो दो दो बार लिखना पड़ेगा हमें। तो हमें पता है कि यूनिवर्सल इसमें तो दो बार नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए इसका सर्कल कुछ इस तरह बनाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके में। तो ये हमारे लिए एक हो जाएगा x हो जाएगा और एक हमारे लिए हो जाएगा y। तो इससे क्या होगा, हम u में सारी चीजें लिखेंगे, अब x की हम सारी चीजें लिखते हैं, x में क्या है ये 8 9 10, तो यहां पे हम लिखेंगे 8 9 10 11 12 13। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो देखो यहाँ पे 13 हो गया, अब इसमें 14 भी लिखना था, तो लो भाई 14 भी लिख दिया। अब मैंने 11 13 इसमें भी लिख दिया और ऐसा लिखा कि आपको देखो x में भी दिखाई दे रहा है और वो y में भी दिखाई दे रहा है, यानी ये दोनों में है, दोनों में। यहाँ पे देखो 11 है, 13 जो है y का भी हो गया। अब बचा कुचा क्या है, 2 3 5 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 2 3 5 7, और उसके बाद में 11 13 तो हो गया, और उसके बाद में 17 और 19। इस तरीके से जो है हमारा सेट जो है x और y सेट जो है ये लिखा गया। अब क्या बचा है, ध्यान से देखो, 1 1 बच गया है, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी लिख देते हैं 1 हो गया, ओके। 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, 4 4 बचा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी लिख दो 4 लिख दो, और उसके बाद में 5 हो गया, 6 बचा है तो 6 लिख दो, और उसके बाद में 7 बचा है तो 7 नहीं बचा है हो गया, उसके बाद 8 9 12 14 15 तक तो हो ही गया, और 15 बचा है, अगर 15 लिख दो, उसके बाद में क्या है 16 बचा है तो 16 लिख दो, 17 तो हो गया है, आप 18 लिख सकते हो, 19 हो गया है, ये 20। इस तरीके से देखो आपको 1 2 3 और उसके बाद में 4 जो है 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 सब हो गया। इस तरीके से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि x और y दोनों में था, इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखो U जो है यूनिवर्सल सेट में कुछ नंबर्स जो है देके रखे हैं, और उसके बाद में P सेट में भी नंबर्स देके रखा है, और बोला शो करो कि ये U को यूनिवर्सल में लिखो, P को उसके अंदर लिखो, और उसके कंप्लीमेंट को भी लिखो वेन डायग्राम की मदद से, और हमें वेरीफाई करना है कि P के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट P होता है। तो भाई सबसे पहले देखो ये P हमारे पास है, कंप्लीमेंट निकालते हैं, P का कंप्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने आपको बोला था कंप्लीमेंट में क्या होता है कि अगर P का कंप्लीमेंट निकालना है तो P के जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बचे कुचे एलिमेंट लिख दो, बचे कुचे। 1 छोड़ दिया तो 2 लिखना पड़ेगा, तो यहां 2 लिख दिया, अच्छा 3 है तो 3 को छोड़ दो, 7 है 6 7 छोड़ दो, 10 को छोड़ोगे तो फिर 8 है भाई, 9 है, 11 है एंड 12 है। अब देखो इतनी चीजें, ये जो है ये कंप्लीमेंट है, ये P है, मतलब दोनों मिलके ये बना है, और ये अलग और ये अलग। अब क्या करते हैं हम P बनाते हैं, कोई भी सेट ले लो, ऐसे बना दो कि भाई ये P है। अब ये P में क्या है, P में है 1 3 7 10, तो ये हो गया 1 3 7 10 लिख दिया आपने, अच्छा। अब बचा कुचा क्या, 2 8, तो देखो 2 8 लिख दो, 9 लिख दो, 11 लिख दो और 12 लिख दो, ये हो गया। अब ये P है इसके अंदर वाला, इसको छोड़ करके ये जो है इसे हम P का कंप्लीमेंट कहेंगे, तो यहाँ पे ये जो कहलाएगा वो P कंप्लीमेंट कहलाएगा। इस तरीके से हमारा जो है वेन डायग्राम तो बन गया, लेकिन अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि P के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट P है। तो ध्यान से देखो, हमने P का कंप्लीमेंट निकाला तो P के एलिमेंट को छोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, हम P के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालेंगे, अच्छा। तो मतलब कंप्लीमेंट के एलिमेंट को छोड़ के बचे कुचे लिखते हैं, तो 2 को अगर छोड़ूं तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, 8 को छोड़ूं तो बाकी सब लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, अगर मैंने 2 को छोड़ा तो 1 लिखा, तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा 3 को, 8 छोड़ना है ना, तो मैं 7 को लिखूंगा, अच्छा 7 को लिखूंगा तो 8 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया तो मुझे 10 लिखना पड़ेगा, 9 भी छोड़ना है तो मैं यहाँ पे 10 छोड़ दिया, 11 12 छोड़ दिया तो 11 12 छोड़ दिया, तो बचा क्या, यही तो बचा क्या 1 3 7 10,
मैंने ये सारे एलिमेंट को उसमें से छोड़ दिए, ये बचा। तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, पी का जो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट आया ये 13710, ये क्या था 13710, तो खुद पी था, तो यहाँ पे ये जो है पी के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर क्योंकि पी का जो है ये यहाँ पे आप इसे कह सकते हो कि ये जो है गिवन है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कह सकते हो कि गिवन है, और बस इस तरीके से ये जो है आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारे इजी इजी क्वेश्चन से आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, हाँ चौथा क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब इसके बहुत सारे आंसर है, क्यों क्यों बहुत सारे, यहां पे बोला है ए जो सेट है वो 1327 है, और बोलता है देन राइट एनी थ्री सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई सेट जो इसी में से हो, इसी में से हो मतलब क्या, अगर मैं इसका इसका सबसेट लिखूं, तो सपोज करो कि मैं बी सेट लिखूं, अब इसमें से ही कोई एलिमेंट ले लूं, मैं 1 ले लेता हूं, लो अब बी जो है वो सबसेट है ए का। अब अगर मैं यहां पे सी ले लूं, तो सी में 1 और 3 को ले लेता हूं, लो ये भी इसका सबसेट है। अगर मैं डी ले लेता हूं, तो डी में मैं 1, 3, 2 जो है ये ले लेता हूं, मैं कुछ भी ले सकता हूं। मैं यहां पे सी डी, उसके बाद में मैं यहां पे एम ले लूं, एम जो सेट ले लूं उसमें से 3 और 7 ले लूं, तो 3 और 7 भी हो जाएगा। तो इन सब में बहुत सारे आंसर है, आप कोई भी जो है अपने मन से सबसेट ले सकते हो। तो इसमें ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, बहुत सारे आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, अपने मन से इन डिजिट्स में से ही आपको लेना है, बाहर से कुछ नहीं लेना है, अलग से कुछ नहीं लेना है। तो आज मैं इस वीडियो में बस यहीं तक रुकता हूं, क्योंकि वीडियो हमारी काफी बड़ी ना बन जाए, इसीलिए मैं आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल, और सबको बताते रहिए कि भाई हमारे चैनल पे जो है वीडियोस जो है अवेलेबल है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।